Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I am your computer teacher Sabrina Mushtaq. And in today's video lecture, I will teach you about the second chapter of your syllabus, that is classification of computers. आई होप आप लोगों को पिछला चैप्टर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो उसके बाद ही आप आगे ऐसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे. अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको उस चैप्टर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी क्वेरी उसके रिलेटेड चाहिए होगी या अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो. तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स, या आप उनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह सकते हो, एंड वर्क स्टेशन. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स से. तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोलती आ रही हूँ कि हमेशा जो भी टेक्नोलॉजी आती है या जो कुछ भी मतलब टेक्नोलॉजी या जो भी डेवलपमेंट्स होती है या जो भी इन्वेंशंस होती है वो हमेशा ह्यूमन नीड को नज़र में रखते हुए होती है. ठीक है, मतलब हमेशा जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती है या जो टेक्नोलॉजीज होती है कि इस हिसाब से बनाई जाती है कि ह्यूमन को कितना कंफर्ट मिलता है. ठीक है, ह्यूमन के लिए कितना कंफर्टेबल होगा, तो उस हिसाब से जो है हर कोई चीज़ उस हिसाब से बनाई जाती है, उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है. तो इसी बेस पे मतलब अब और नीड्स भी कि किस फील्ड में किसको चाहिए होगा, मतलब किस फील्ड के हिसाब से चाहिए कंप्यूटर या किस नीड के हिसाब से चाहिए कंप्यूटर. तो अब उसी में फिर डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स भी बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा है कि कंप्यूटर्स जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं तीन चीज़ों पर, दैट इज़ साइज, टेक्नोलॉजी एंड पर्पस. ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पर्पस होता है या जो नीड होती है उस हिसाब से बनाया जाता है कंप्यूटर. ठीक है, तो सबसे पहले साइज मतलब क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की करेंगे, पहले साइज की कि मतलब कौन सा कंप्यूटर कितना बड़ा होगा, उस हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होती है कि जैसे कि सुपर कंप्यूटर आपने सुना होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे छोटे होते हैं. एंड ऐसे ही डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी से बने हैं, किस लिए बने हैं. ठीक है, और फिर पर्पस आता है कि ये किस मतलब नीड को फुलफिल करने के लिए बने हैं, या ये जो हम लोगों ने कंप्यूटर बनाया है या जो कंप्यूटर बनाया गया है किसी कंपनी ने या किसी ने भी, तो वो क्यों बनाया गया है. ठीक है, तो हम देखेंगे जो ये कंप्यूटर्स है इसकी पाँच मेन टाइप्स है. ठीक है, वो है माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में और वर्क स्टेशन के बारे में. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं मतलब डेली नीड्स के लिए, उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं या हम उसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं. जैसे कि आपके घरों में किसी के घर में होगा कोई कंप्यूटर, उसको वो माइक्रो कंप्यूटर होता है. या आप अगर किसी के घर पे नहीं है तो किसी ने अपनी स्कूल लैब में देखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर होता है, वो भी होता है पर्सनल कंप्यूटर, मतलब वो भी माइक्रो कंप्यूटर होता है. या ऑफिस में आपने किसी के ऑफिस में देखा होगा, किसी ने अपने पेरेंट के ऑफिस में देखा होगा या किसी ने अपने सिबलिंग मतलब भाई या बहन के ऑफिस में देखा होगा, वो जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं जो मतलब डेली नीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो नॉर्मली यूज़ करते हैं पीपल. ठीक है, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं. ठीक है, अब हम इस कंप्यूटर के मेन फीचर्स के बारे में आपको मैं बोलूँगी यहाँ पे थोड़ा. जो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना, इसका जो ये काम करता है माइक्रो प्रोसेसर पे, मतलब इसका जो सीपीयू है उसके वो माइक्रो प्रोसेसर होता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है. अब आप बोलेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप सीपीयू देखते हो ना, मतलब जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम देखते हो, एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम देखते हो, वहाँ पे जो आप वो सीपीयू देखते हो ना, वो बस एक सीपीयू बॉक्स होता है, उसके अंदर होता है मदरबोर्ड और उस पर एक छोटी सी चिप लगी होती है, उसी को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर. वही होता है असल में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब हम उस होल बॉक्स को कहते हैं सीपीयू, क्योंकि
वो जो सीपीयू है, वो जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो सीपीयू के अंदर, उस सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। अब हम ऐसे खोल के हर बार तो नहीं देख सकते कि ये सीपीयू है, इसीलिए अब उसको इसी नाम से जाना जाता है कि ये सीपीयू है। जब हम उस बड़े से बॉक्स को देखते हैं जिसको आप सीपीयू बोलते हो, वो असल में सीपीयू बॉक्स होता है, उसके अंदर होता है मदरबोर्ड, उसी में फिर उस मदरबोर्ड पे जो होता है वो सीपीयू चिप, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो उसके साथ उसी पे लगी होती है, उसी के साथ अटैच होती है, ठीक है। और जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब ये एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। तो एंड ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि घर पे होता है किसी के, या स्कूल लैब में होता है, या होम में होता है, तो इन्हीं जगहों पे ये माइक्रो कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। और इनमें एक और बात है कि ये कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही सस्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि अपनी नीड के हिसाब से, हाँ अब किसी को नीड होगी मे बी उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ भी जाए अगर उसको उस हिसाब से नीड होगी, लेकिन उस नीड तो पूरी करनी है तो मे बी उसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, या कभी किसी को लगेगा कि कोई कंप्यूटर एक्सपेंसिव है, वो भी डिपेंड करता है कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, टाइप्स इन द सेंस है कि मतलब कौन कितना पावरफुल है, किसका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से भी मतलब डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपेंसिव होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी कंप्यूटर्स ये जो है ये कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स की जो इसकी जो एग्जांपल्स है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो कि मैंने आपको कहा आपके घर पे होते हैं, या जो आप कंप्यूटर सिस्टम पूरा देते हो उसको, या जो आपके स्कूल लैब में होता है वो जो होता है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इसकी लैपटॉप, लैपटॉप भी होता है घरों में, आजकल तो मुझे लगता है ज़्यादा लैपटॉप ही लाते हैं स्टूडेंट्स, या जिसको भी नीड होगी वो भी है एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर की। या जो पीसी टैबलेट्स, जो टैबलेट्स होते हैं, जो टैबलेट सॉरी टैबलेट होता है जो फ़ोन जैसा होता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और उसमें कुछ फ़ीचर्स भी एडेड होते हैं, ठीक है, ज़्यादा फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ोन, वो भी होता है एक पर्सनल कंप्यूटर, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। और स्मार्टफोन्स जो आप देखते हो, आप मतलब फ़ोन्स आपके घर पे होते हैं स्मार्टफोन्स, लेकिन मतलब जिसमें टच होता है, जिसमें उस हिसाब से ऐप्स फिर इंस्टॉल की जाती है, वो स्मार्टफोन्स जो आपके घर पे होते हैं वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही माना जाता है। और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स, जैसे कि जो मतलब जो वो कैलकुलेटर्स होते हैं लेकिन वो हैंड हेल्ड होते हैं, लेकिन उनका जो मैथमेटिकल वर्क जो होता है वो थोड़ा स्पेशलाइज होता है, जो हम नॉर्मली देखते हैं ना इस पर एड सब्ट्रैक्ट होता है वो नहीं, दूसरे आते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैलकुलेटर्स, वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मतलब मैथमेटिकल वर्क में, ठीक है। और ऐसे ही गेम कॉन्सोल्स, मतलब जो एक्सबॉक्स है वो गेम खेलने के लिए मतलब बनाया गया है, तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही माना जाता है। एंड दी अदर एग्जांपल इज, आपको मे बी इसमें कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन वो क्या होता है जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स मतलब जो किसी में रखे हो, ठीक है, जैसे कि आपने किसी गाड़ी में देखा होगा जो मतलब अपनी होती है पर्सनल गाड़ी जो होती है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो आगे किसी को होता है वो टीवी जैसा आपको दिखता है वहाँ पे, और आप उस पर वीडियोस देख सकते हो, या आप उस पर अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, अगर आप उस पर अपना फ़ोन कनेक्ट करोगे तो आप उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, अपने फ़ोन के ऐप्स देख सकते हो, मतलब आप उसको फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ये इसके गाड़ी के साथ अटैच होता है तो वो भी होता है। या आपका एटीएम, आप एटीएम से कभी पैसे निकालते हो, या आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो फॉर एग्जांपल एटीएम में, वहाँ जो होता है वो भी एम्बेडेड होता है, आपने देखा होगा वो बहुत बड़ा बॉक्स होता है, लेकिन स्क्रीन उस छोटे से जो छोटा सा होता है वहीं पे स्क्रीन होता है और वहीं पे बटन्स होते हैं, उतना जो होता है कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो फिर ऑपरेट करता है, कैसे करता है अंदर से, कैसे वो मनी ट्रांजैक्ट करता है, तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी जो है वो भी एम्बेडेड कंप्यूटर है, तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही माना जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन आपको पता है वो भी एक सिंगल यूजर कंप्यूटर ही होता है, मतलब एक टाइम पे उसको एक ही पर्सन यूज कर सकता है, एक ही यूजर यूज कर सकता है,
लेकिन ये भी होता है काइंड ऑफ मतलब इन शेप एंड ऑल, ये थोड़ा होता है किसके माइक्रो कंप्यूटर के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या होता है ये पावरफुल होता है, जो वर्क स्टेशन होता है ये पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर, ये पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर या जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हो पीसी, उसके हिसाब में ये पावरफुल होता है, मतलब इसका प्रोसेसर पावरफुल होता है, ठीक है। इसमें अब इसका इसके फीचर ये है कि इसमें क्या होता है जैसे कि मतलब ये होता है यूज़ लाइक साइंटिफिक पर्पसेस के लिए या किसी अदर, लाइक जैसे आपने देखा होगा ना जो आपकी गेम्स होती है फ़ोन में, ठीक है, वो जो होते हैं ना वो नॉर्मल कंप्यूटर पे नहीं बनाते हैं, ठीक है, जो गेम्स होते हैं जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा पबजी होता है या फ्री फायर जो है, जो वो बनाते हैं ना वो लोग यही यूज़ करते हैं, कौन से वर्क स्टेशन, ठीक है, मैंने कहा ना ये पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, तो वो लोग जो होते हैं इसी वर्क स्टेशन पे बनाते हैं क्योंकि ये पावरफुल होता है, इसका प्रोसेसर जो होता है पावरफुल होता है, एज आई ऑलवेज से व्हाट डू वी मीन बाय पावरफुल कि जिसका प्रोसेसर पावरफुल होगा, ठीक है। और इन वर्क स्टेशन में क्या होता है जो इसकी एनिमेशन होती है वो भी मतलब बेटर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंप्यूटर्स, और मैंने कहा एज आई सेड कि ये साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ होता है या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल वर्क के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नॉट मतलब ऐसे नॉर्मल मैथमेटिकल वर्क के लिए, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ऐसे ईजिली सॉल्व नहीं हो पाते हैं उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और इसकी एग्जांपल है कंप्यूटर जो बैंक्स में आपने देखा होगा ना, आपको भी नोटिस करना उनमें क्या होता है, मतलब मे बी यहाँ पे यहाँ के लोकल बैंक्स में नहीं होगा ये कुछ मतलब लाइक हाईली प्रोफाइल्ड बैंक्स में होता है या ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनमें होता है या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, मैंने कहा ना आपको जो गेम्स बनाते हैं या जो एप्स बनाते हैं तो उन उनमें ये यूज़ होता है, वो लोग ये वर्क स्टेशन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, आज हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में और वर्क स्टेशन के बारे में। एंड अगर कहीं पे भी किसी को भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो वो मुझे बोल सकता है या कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। एंड वन मोर थिंग कि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं वीडियो लेक्चर्स, तो उनके लिए मैं ये बोलूँ, इनफैक्ट जो देखते हैं उनको भी मैं ये बोल दूँ कि आप इसको केयरफुली देखा करो, मतलब अच्छे से देखा करो वीडियोज़ को, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा यूनिट फर्स्ट का या यूनिट सेकेंड का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको मतलब वीडियो में देखूँगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो बुक में से आएंगे, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बुक में से ही नहीं बोलती हूँ, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ या मैं आपको थोड़ी सी मतलब थोड़ा अलग देती हूँ बुक से इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको बेटर समझ में आ जाए, तो आपको क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से आएंगे एग्ज़ाम में, वो सिर्फ आपको आई गेस 70-80% जो होगा आपका पेपर वो इसी में से होगा, वीडियो लेक्चर्स में से जो मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बोलती हूँ या आपको मैं पॉइंट्स यहाँ बोलती हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलती हूँ, ठीक है, तो आपको वही आएंगे फिर कल को एग्ज़ाम में, तब आप ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है वीडियो लेक्चर में तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है कहीं पर तो आप वो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।